हाय एवरीवन, दिस साइड राकेश, आई एम द फाउंडर ऑफ सेलिब्रिटी फेस। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ आज हैं इंडिया की टॉप टिकटॉक स्टार रुगी स्वीनी। सो वेलकम टू माय शो दैट इज राकेश वाइजारो चैट शो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने से पहले, आगे की पूरा इंटरव्यू देखने से पहले, मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे यहाँ पे, ऑल्सो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अच्छा वीडियो लगे तो जरूर लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, हम स्टार्ट करें अपना ये इंटरव्यू राउंड विद इंडिया टॉप टिकटॉक स्टार विनी। सो विनी, हम पूछना चाहेंगे, आपकी जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई, आप सेलिब्रिटी फेज में भी आई, आप थर्ड टाइम सेलिब्रिटी फेज में आ रही, तो अभी तक की जर्नी कैसी थी आपकी? कोर्स जर्नी बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में हमारे किस मार्च में आई थी, तब से लेके अब हम बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं सेलिब्रिटी फेस के साथ। हमेशा एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, मैं न्यू न्यू सिटीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, सो इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू बी हियर। ऑल्सो हमारे बहुत सारे फैंस को मुझे मैसेजेस आते हैं और हमारे सेलिब्रिटी फेस में भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं, वो जानना चाहते हैं कुछ महीनों से आपके वीडियोस अकेले आने लगे, सोलो वीडियोस आने लगे। पहले आप और गरिमा साथ में वीडियोस बनाते थे, दोनों आप साथ में वायरल हुए, और अचानक हम देख रहे हैं, फैंस भी देख रहे हैं, उनके कमेंट मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या ये दोनों अलग हो गए हैं, दोनों के अलग रास्ते हो गए हैं, क्या हुआ जो इनके साथ वाले वीडियोस, सेम कॉस्ट्यूम वाले वीडियोस नहीं आ रहे, उसके पीछे क्या राज बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं गरिमा थोड़ी ज्यादा बिजी रहने लगी थी, तो उसके आउटडोर शूट होते थे, काम होते थे, और लाइक पहले वी वर जस्ट फ्रेंड्स, अब तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करा देते हैं, सो बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। सुनने में आया कि आपकी बहुत बड़ी फाइट हुई है उनसे, सारे फैंस दिख रहे हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते ये लोग, इसलिए वीडियोस नहीं बना रहे हैं, क्या ये इन बातों में कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी बोथ आर हैप्पीली बैक टुगेदर, हम साथ में वीडियोस भी बना रहे हैं, ये सिर्फ जस्ट कुछ टाइम का था। तो अभी आप दोनों फ्रेंड्स हैं कि नहीं, सारे अपने व्यूअर्स को बता दीजिए। BFFs हैं, हम फ्रेंड्स हैं, वी आर बैक। तो हम लोग अगेन बहुत हार्ड वाले वीडियोस साथ में देख पाएंगे आप दोनों? यस ऑफ कोर्स, अब हम नई वीडियोस बना रहे हैं। एक्चुअली भी थोड़ी ज्यादा बिजी रह रहे थे, मैं यहां आ गई हूं, बट अब वापस जाके वी विल क्रिएट मोर गुड कंटेंट। स्टे ट्यून्ड, दैट्स गुड। सो गाइस, जितने भी फैंस सेलिब्रिटी फेज में मैसेज कर रहे थे, मुझे डीएम कर रहे थे कि विनी अकेली है या गरिमा, गाइस दे आर टुगेदर नाउ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ टुगेदर वीडियोस अगेन, थैंक यू। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, विनी आपका आगे के प्लान्स क्या है? गरिमा तो ऑलरेडी दो तीन वीडियो सॉन्ग कर चुके हैं बैक टू बैक, आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या आजकल कर रही हैं? जब आप दोनों की बात नहीं हो रही तब उस टाइम पे आपने क्या किया? जब हमारी बात नहीं हो रही थी, मैं अपना अलग कंटेंट बना रही थी, अपने शूट में बिजी थी, अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक, लाइक बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को ग्रो कराने में, तो मैं उसमें बिजी थी, बहुत ज्यादा बिजी थी। और आगे कुछ प्लान आपके भी, हम कुछ वीडियो सॉन्ग्स देख पाएंगे इन फ्यूचर? यस ऑफ कोर्स, जल्दी मेरे पास चलेंगे। ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैंने कुछ गाइस देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे रोजेस रखे हुए हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैं बनाना चाहता हूँ, तो इंटरेस्टिंग के लिए मैंने कुछ रोजेस ला करके रखे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है और आप उनको कितने रोजेस देना चाहेंगी? आपका फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है एज अ व्यूअर? एज अ व्यूअर मेरा एक पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है, मेरे को सारे क्रिएटर्स अच्छे लगते हैं। सीरियसली, इसमें कोई मुझसे पूछे आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, ये सब अपने पॉइंट पे इतनी मेहनत करते हैं, ये उन लोगों को, बट फिर भी बॉयज में कौन आपका है जिसको आप लाइक करते हैं, इसके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, उनको आप कितने रोजेस देना चाहेंगे? एक तो किसी ना किसी को होता है, हाँ इसके वीडियोस मुझे पसंद है, सबके तो सभी लाइक करते हैं, बट एक कौन है? टीम 07 के वीडियोस में काफी देखते हैं। तो आप उनको कितने रोजेस देना चाहेंगी? सारे। वाओ, सो गाइस द टीम 07 को विनी सारे रोजेस देना चाहेंगी। और फीमेल टिकटॉक स्टार में आप किसको देना चाहेंगे? गरिमा। वाओ, फाइनली फ्रेंड्स आर टुगेदर, फ्रेंड्स आर बैक, सो ऑल रोजेस गोस टू गरिमा। तो गरिमा आपकी दोस्ती कायम है, सारे रोजेस उनके लिए भी है जो सारे क्रिएटर्स इतनी मेहनत करते हैं। आई गेस यू गाइस डिजर्व ऑल दिस, ग्रेट। आपको किसके वीडियोस अच्छे नहीं लगते यार, लगता है ये टिकटॉक में ये बंदा फालतू में आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना नहीं चाहिए टिकटॉक में, आपको कौन लगता है यार इसको ज्यादा ही बहुत पब्लिसिटी मिल रही है, बहुत भाव मिल रहा है, कौन ऐसा कोई है? ऐसा तो आई थिंक कोई बॉयज में या गर्ल्स में नहीं, सबने आई गेस बहुत मेहनत किए थे वहां पे, ऐसा कोई। ओके, और फीमेल में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको आप अपना कंपटीशन किसको मान लिया टिकटॉक में?
आपके हिसाब से आपका कंपटीशन कौन है फीमेल में? आई गेस सारी फीमेल सी कंपटीटर्स हैं जो 10 मिलियन क्रॉस कर गई है, सारी मेरी कंपटीटर्स हैं। सो गाइस जिन्होंने 10 मिलियन क्रॉस किया है वो विनी की कंपटीशन है, डोंट वरी, विनी के अराउंड 8 मिलियन है, बहुत जल्दी क्रॉस करेंगी 10 मिलियन। सो ग्रेट विनी। विनी आपसे ये भी जानना चाहेंगे आप अपने फैंस से कैसे कनेक्टेड रहती हैं, उनके लिए क्या करती हैं, क्या करना चाहेंगी आगे? मैं लाइव आने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ टिकटॉक पे, आई गेस व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपसे कनेक्टेड रहने के लिए। प्लस मैं हमेशा कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपके सारे डीएम्स को रिप्लाई करूँ जो प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। विनी हमेशा ट्राई करती रहेंगे आपको कनेक्ट होंगे, आप कमेंट करते रहिए, यू नेवर नो कब में किस में आपको रिप्लाई मिल जाए। जैसा कि विनी जानती है कि रिसेंटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी टिकटॉक को लेके, कुछ कंटेंट को लेके, कुछ हिंदू मुस्लिम कंटेंट को लेके, उसके बारे में कुछ व्यूज देना चाहेंगी आप या नहीं देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी अपने फैंस को कि किस टाइप के कंटेंट बनाने चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, सेंसिटिव कंटेंट बनाए ना बनाए? सेंसिटिव कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, आप एज अ कंट्री आप रिप्रेजेंट करते हो, इतने लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओगे जो अगेंस्ट नेशन होगा जिसे लोग नहीं पसंद करते तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। आपने कभी कुछ बनाया ऐसा कुछ रिलीजन को लेके वीडियो कंटेंट आपने? यस रिलीजन को लेके बनाई है, बट वो बहुत पॉजिटिव वीडियोस है, बहुत पॉजिटिव वाइब देती है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका सजेशन क्या है सारे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, किस टाइप के वीडियोस बनाएं वो रिलीजन को लेकर जो बनाते भी हैं तो? लाइक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा बनाइए जिसमें लाइक सब मिलजुल के कैसे रहे, यूनिटी रहे, एग्जैक्टली लड़ाई ना हो, ओके स्प्रेड लव। आप अपने फैंस को, आप तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, लाइक आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक में हैं, 400K प्लस आपके इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप क्या अपने फैंस को टिप्स देना चाहेंगे वो क्या करें, किस टाइप के वीडियोस बनाएं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे कि उनके वीडियोस वायरल हों, किन चीजों का वो ध्यान रखें जब वो वीडियो बना रहे हैं? टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैमरा एंगल, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खुद को कैमरा में बड़ा बड़ा दिखना है, नॉट द प्लेस, तो आप खुद आइए, कुछ लोग बहुत कोने में छोटे से दिखते हैं, स्पेस फालतू छोड़ते हैं, वो मत कीजिए। यानी आपका कहना है कि वो लोग क्लोज अप शॉट के वीडियोस ज्यादा बनाएं, राइट? क्या क्लोज अप शॉट्स या फिर मींस खुद दिखे। सेकंड थिंग इज लिप सिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए, वो आई गेस फाउंडेशन है टिकटॉक की, सो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सीखिए अच्छे से कैसे करना है। थर्ड थिंग ये सब वर्क ऑन एक्सप्रेशंस, वर्क ऑन डांस स्किल्स, ट्रेंडिंग साउंड्स बनाइए, अपना यूनिक कंटेंट, आई गेस यूनिक कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आप जाने जाओगे कि आपने कुछ अलग हटके किया, जितना कॉपी करोगे आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे जब तक आप कॉपी करते रहोगे, आपको एक अपना यूनिक आइडेंटिटी के लिए अपना न्यू कंटेंट देना जरूरी है, चाहे वो इंस्टाग्राम टिकटॉक यूट्यूब कुछ भी हो। सो गाइस जो भी टिप्स विनी ने दिए हैं आपको प्लीज फॉलो करिए, अगर जो आपको भी टिकटॉक स्टार बनना है इनकी तरह क्रिएटिव कंटेंट होगा, यूनिक रहेंगे, डांस करेंगे, एक्टिंग एक्सप्रेशन सारी चीजें डाल देंगे अपने वीडियोस में, तो ऑब्वियसली आपका वीडियो हिट रहेगा, वायरल रहेगा, और ऑब्वियसली लोग ऑब्वियसली इनोवेटिव नई चीजें देखना चाहते हैं, हमेशा। तो गाइस वर्क करो, अच्छा वीडियोस बनाओ, फॉलो करते रहो, इनके वीडियोस देखते रहो, कुछ आइडियाज लेते रहो और अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करो और अपने वीडियोस वायरल करो। सो बेस्ट विशेस टू ऑल द यंग यूथ जो टिकटॉक में स्टार बनना चाहते हैं। Also guys, जिनको स्टार बनना है तो सेलिब्रिटी फेस स्टार सीजन 3 आने वाला है, जिसपे अगेन विनी जज करने वाली है वो ऑडिशंस, तो जितने भी फैंस हैं ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जो आपको सेलिब्रिटी फेस स्टार बनना है सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है ऑडिशंस, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डिटेल व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम को कॉल करिए और वो आपको आगे की डिटेल देंगे ऑडिशन में करना क्या है, सो यू कैन बी द नेक्स्ट सेलिब्रिटी फेस स्टार बाय अप्लाइंग बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे विनी, आप बॉलीवुड में जाएंगी, टीवी सीरियल्स वगैरह में आएंगी या नहीं आएंगी, क्या प्लान है आपके? ट्राई करेंगी फॉर श्योर, ग्रेट। चलो अब रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस करते हैं विनी से, कुछ टिकटॉक स्टार्स के बारे में पूछेंगे और ये रैपिड फायर आपको फटाफट आंसर देना है वन वर्ड में। ओके, आपको फैजू के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? ओके, व्हाट अबाउट अदनान, अदनान के बारे में क्या अच्छा लगता है? स्माइल, रियाज, क्यूटनेस, गरिमा, एवरीथिंग। ओके, व्हाट अबाउट लकी डांसर? हिज आईज, ब्लू आईज। ओके, एंड अगर मैं कहूं कि
टीम 07 के बारे में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगता है वो पूरी टीम के बारे में आपको? आई गेस वो जब एक साथ आते हैं तो एक बहुत अलग ही एनवायरनमेंट होता है, वीडियोस देखने में मजा आता है, आई लव वाचिंग देम फाइव टुगेदर, वो अलग अलग। और फीमेल कोई टिकटॉक स्टार जो आप टॉप 5 में, कौन फीमेल टिकटॉक स्टार? गरिमा है, हमें पता है आप हैं, तीन ऐसे नाम जो आपको लगते हैं टॉप 5 में होने चाहिए या हैं आज के डेट पे? जनस जुबेर के बारे में क्या पसंद है आपको? What about Nisha? Nisha smile. Avneet? Eyes and smile. Okay, great. Who's your favorite actor? Favorite food? Favorite actress? Priyanka Chopra actress. Okay. She is my idol. Okay. And what about favorite city? Favorite city, Darjeeling. Great. आपका favorite color क्या है? बताइए. Quick. Black. Great. So इनका favorite color है guys black. फेवरेट सिटी कौन सी आपकी अपार्ट फ्रॉम दार्जिलिंग? अगर जो आपको कहीं घूमना जाना हो दार्जिलिंग के अलावा तो और कहाँ जाएंगे इंडिया में घूमने आप? इंडिया में स्टेट। दिल्ली के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? दिल्ली क्राउड। ओके, मुंबई? मुंबई नाइट लाइफ। ओके गाइस, आई थिंक आई एम डन विद द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। अगर जो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट टाइम अगेन विनी आएंगी सेलिब्रिटी फेज में, तो जितने भी फैंस ये वीडियो देख रहे हैं आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं विनी से प्लीज कमेंट करो वीडियो के नीचे, नेक्स्ट टाइम वो सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा और मैं आपके लिए विनी से पूछूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन एट माय चैनल राकेश वाइजारो। फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए और गरिमा विनी दोनों आपको एंटरटेन करती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू।